वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदायु तुलसीदेवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप बताओ तो हम क्यों शंकराचार्य को चरण में हम ऋणी क्यों है? बोलो तुम बोलो, हम शंकराचार्य के पास में हम ऋणी क्यों है? शंकराचार्य के चरण में उन्होंने ऐसे कौन सा काम किया? बोल सकते हो बच्चा? तुम तो पीछे सो जाते, आगे आ जा, थोड़ी थोड़ी तुम आ जा, थोड़ी देर बाद में पानी ले लूँ। क्या पानी ले जा रहे हो? साफ कर रहे हो? हाँ, दस मिनट बाद में चले जाऊँ। बैठ, दस मिनट बैठ जा, दस मिनट बाद में चले जाऊँ। हाँ बोलो, हम लोग शंकराचार्य के चरण में हम क्यों ऋणी है? कारण क्या है? पहले कौन सा बात था? शून्यवाद था। शंकराचार्य बोला। और बौद्धवाद में क्या था? हाँ, इसलिए हम सब के सब श्री किसको चरण में हम लोग ऋणी हैं? कहते श्री शंकराचार्य के चरण में ऋणी हैं। कारण है, जो बता देगा वो इस मंदिर का उसके उसी का अधिकार रहेगा मंदिर का। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोलिए इस घड़े में मरा हुआ सांप है शून्यवाद वालों ने, वो ब्रह्म उन्होंने शून्यवाद वाले बौद्ध धर्म के। तो शंकराचार्य ने बोला नहीं, इसमें राग है। जब खोल के देखा तो शंकराचार्य ने अपने प्रभाव से उसको राग बना दिया था। अगर मंदिर उल्टा हो गया तो कहते हैं घड़ा भी वही है, इसलिए शंकराचार्य को हमेशा अभी भी जगन्नाथ जी ने सबसे पहले बिल्कुल लाया जाता है। इसलिए उन्होंने शंकर जी कौन हैं, शंकराचार्य कौन हैं? हाँ, इसलिए शंकराचार्य ये स्वयं शंकर जी है। वैष्णवानाम ये यथा संभो, इसलिए हम सबके सब से शंकराचार्य के चरण में हम सबके सब ऋणी हैं। देखो कल एक चीज़ तो सबके सब पढ़ कर के आना, जो पहला अध्याय है ये ग्रंथ का नाम जैव धर्म क्यों नाम पड़ा, इसको पढ़ कर जाना अच्छे तरह से, ठीक है? तो जो उसमें जो नोट है ना उसमें लिखा हुआ है, फिर उसमें कुटीचक बौद्ध हंस और परमहंस ये किसको कहते हैं, और तीसरे चीज़ ये है नित्य और
ये नैमिक धर्म हाँ किसको नित्य और नैमिक धर्म इतना इतने चीज कल तुम लोग पढ़ कर गाना ठीक है राहुल महाराज कल इतना चीज पढ़ कर गाना कितना है ग्रंथ का नाम जैव धर्म नाम क्यों कारण क्या है और कुटी जग हंस बहुत इसका मतलब क्या है और क्या है नित्य धर्म और नैमिक धर्म इतने के बारे में कल हाँ प्रथम जो अध्याय है उसके विषय में हम लोग फिर दो बार डिस्कशन करके उसको पढ़ कर सकते हैं। हाँ इसलिए कहते श्री शंकराचार्य ने क्या किया उन्होंने नीम डाली है उन्होंने शून्यवाद से उन्होंने ब्रह्मवाद शून्यवाद मतलब हम सब के सब शून्य से आए और लास्ट में शून्य में ही हम मिल जाएंगे ये था किसका पद ये बौद्धवाद लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया उन्होंने उसको ब्रह्मवाद रूप में स्थापन किया पहले जो कुछ था ही नहीं लेकिन साधारण रूप में था नहीं जो जीव है और ब्रह्म भी एक चीज है और माया भी एक चीज है ये माया जब ब्रह्म को पकड़ लेती हैं फिर वही ब्रह्म ही ये जीव बन जाता है लेकिन फिर जीव जब मुक्त हो जाएगा क्या होगा फिर उस ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा इसलिए कम से कम उन्होंने इतने चीज को उन्होंने जब करके गया तो कुछ पहले था नहीं इन्होंने बोले नहीं कुछ है और उन्होंने क्या बोला भाई तू ही तो ब्रह्म हो हैं नहीं नहीं क्यों कह रहे तू ही तो ब्रह्म हो हम ब्रह्म हैं बस किसको अगर बोलो तुम ही भगवान बोले हम भगवान इससे बढ़िया क्या हो सकता है इसलिए अतएव शंकरावतार वैष्णव धर्म के परम बंधु और एक प्राग उदित आचार्य इसलिए शंकराचार्य क्या है कहते वैष्णव धर्म के परम बंधु अगर ये आ करके ब्रह्मवाद को स्थापन नहीं करते उसके बाद में कौन कौन और आए जिन्होंने वैष्णव धर्म को स्थापन किया कौन कौन आए हाँ इसलिए रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बार्क उसके बाद में फिर भगवान ने इन लोगों को भेजा फिर इन लोग ने आकर के ये वैष्णव धर्म को भक्ति धर्म को प्रेम धर्म को फिर जगत में उन्होंने दोबारा स्थापन करते हैं इसलिए यहाँ कहते बोले शंकराचार्य ने जो विचार मार्ग दिखलाया है उसकी संपत्ति इसी समय वैष्णवगण अनायास भोग कर रहे हैं कहते शंकराचार्य ने जो मार्ग दिखाया अभी क्या कर रहे हैं उन्होंने बहुत कष्ट करके उन्होंने ब्रह्मवाद को स्थापन किया लेकिन अभी उस जो संपत्ति है अभी जो भक्त लोग हम लोग जैसे है वैष्णव लोग क्या कर रहे हैं कहते अनायास में ही उन्होंने इतना कष्ट करके जो गए अगर वो नहीं आकर के स्थापन नहीं करते फिर तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं उसी बहुत बौद्धवाद में चले जाते सब शून्य हैं भले जड़ और बद्ध जीव के लिए संबंध ज्ञान का बड़ा ही प्रयोजन है यदि यहाँ पर जड़ और बद्ध जीव के लिए ये संबंध ज्ञान का बड़ा ही प्रयोजन है संबंध ज्ञान इसलिए तीन ज्ञान बताया संबंध अभिधेय और प्रयोजन है इसलिए ये जड़ और बद्ध ये जीव के लिए संबंध ज्ञान का बहुत जरूरत है सबसे पहले हमारी संबंध ज्ञान होता है संबंध ज्ञान के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते जैसे हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी है क्या संबंध हो जाता मेरी पत्नी उसका पत्नी जैसे व्यवहार करते हैं कभी हमारे बेटा जब पता चलता है मेरे बेटा उसको बेताब जैसे व्यवहार करते हैं समझते हैं ये मेरी बेटी उसके साथ में हम बेटी जैसे व्यवहार करते हैं लेकिन पता तो चले ये हमारे साथ में क्या संबंध है हैं तब उसको साथ में वैसे व्यवहार करेंगे इसलिए हमारे अंदर में कभी ये संबंध ज्ञान का भी बड़ा प्रयोजन है सबसे पहले संबंध उसके बाद अभिधेय पर प्रयोजन संबंध पता चलेगा तो फिर उसको पाने के लिए हम कोशिश करेंगे हैं पाने के लिए कोशिश करेंगे इसलिए संबंध ज्ञान जैसे हमारी संबंध ज्ञान किसको साथ में है कहते श्री कृष्ण को साथ में हमारी संबंध ज्ञान है हैं इसलिए संबंध देवता हमारी अधिष्ठात्री देवता कौन है कौन सा गोविंद देव हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कहते ये तीन हमारी तीन तत्वों का अधिष्ठात्री देवता कहती जो मदन मोहन है गोविंद देव नहीं ये
मदन मोहन हमारी संबंध का जो देवता श्री, यह मदन मोहन हमारी संबंध का देवता है। इसलिए कहते संबंध ज्ञान जीव का होनी चाहिए, बड़ा ही प्रयोजन है। इसलिए यहाँ कहते इसी जड़ जगत में, जड़ जगत में स्थूल और लिंग देह से चीद वस्तु पृथक और अतिरिक्त। कहते कहते ये जड़ जगत में स्थूल और लिंग देह से, हमारे दो शरीर है, एक स्थूल शरीर और एक लिंग शरीर। बताओ लिंग शरीर किसको कहते हैं? बताओ लिंग शरीर किसको कहते हैं? लिंग शरीर किसको कहते हैं और स्थूल शरीर किसको कहते हैं? हाँ, इसलिए कहते जो लिंग शरीर मन बुद्धि अहंकार और ये चित्त, कहते ये कौन सा शरीर? कहते ये सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर। और जो स्थूल शरीर है क्या है, क्या है? हाँ, ये पंचभूत है, खिति आप तेज मरुत और बोम, ये हमारी ये स्थूल शरीर है। इसी जगत में स्थूल और लिंग देह से, कहते ये स्थूल शरीर और लिंग देह से, कहते जो चित वस्तु है, जैसे ये आत्मा है, जैसे ये भगवान है, कहते ये पृथक है, ये पृथक है, हैं वस्तु पृथक और अतिरिक्त है। इस सिद्धांत पर शंकराचार्य और वैष्णवगण दोनों ही विश्वास करते हैं। देखो यदि ये शंकराचार्य और वैष्णव के अंदर में क्या भेद और क्या अभेद, ये चीज को बता रहे हैं। कहते जो हम भी मानते हैं स्थूल और लिंग शरीर से जो आत्मा और भगवान ये अतीत, कहते वो भी यही चीज को मानते हैं, ये स्थूल शरीर हम नहीं और ये लिंग शरीर भी हम नहीं, इससे हम अतीत। कहते ये दोनों वस्तु को कहते वैष्णव भी हम भी मानते हैं और ये चीज को श्री शंकराचार्य की मानते हैं। इसलिए जीव की सत्ता के विचार में ये दोनों के बीच में पार्थक्य नहीं, ये दोनों ही ये चीज को दोनों ही मानते हैं। जीव किस कोई सत्ता है, भगवान की कोई सत्ता है, लेकिन जड़ जगत के संबंध त्याग नाम मुक्ति। हम कहते हैं ना हमको मुक्ति मिल जाए, हम कहते ना हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मतलब क्या है? ये संसार का सारे बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए, हैं, इसको ही हम मुक्ति मानते हैं। कहते वो भी यही चीज़ को मानते हैं, क्या मानते हैं? कि जड़ जगत का संबंध का त्याग कर बोले मुक्ति मिल जाए, हमें संसार से मुक्त हो जाए, मतलब ये संसार में किसी वस्तु में हमारी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, इससे हम मुक्ति मिल जाए। कहते वो लोग भी यही मानते हैं और हम भी यही एक चीज को मानते हैं। इसी बात को दोनों मानते हैं, हैं, दोनों ये चीज़ को मानते हैं, लेकिन ये मुक्ति लाभ होने का तक शंकर और वैष्णव आचार्य के बीच अनेक प्रकार का मत तय कर। कहते वैष्णव का जो फिलोसफी और शंकराचार्य का जो फिलोसफी है, कहते हैं कहते ये मुक्ति लाभ तक, जब ये लिंग शरीर जड़ शरीर से तुम ऊपर उठ जाओगे तब तो मुक्ति मिलेगी, ये तो मुक्ति कैसे मिलेगा अगर तुम्हारी संसार का बंधन रहेगा? तो बंधन किसमें चीज, ये लिंग शरीर और स्थूल शरीर, इसको द्वारा ही जीव का बंधन का प्राप्ति। कहते जब इससे ऊपर उठ जाओगे तभी मुक्ति मिलेगा। इसलिए कहते कहते ये मुक्ति लाभ होने तक, कहते ये शंकराचार्य और वैष्णव आचार्य में बहुत सारी मत तय कर, एक मत करके बहुत सारी उनका मत एक ही है, लेकिन हरि भजन के द्वारा चित्त शुद्धि और मुक्ति लाभ होती हो, होती है। कहते मुक्ति कब होती है? कहते जब हम भगवान की भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। कहते जथा जथा माँ परिमृजत असौ तत्पुण्य काथा श्रवणाभिधानम तथा तथा पसंति वस्तु सूक्ष्म। इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे आँखों में जैसे आंजल लगाते हैं, काजल लगाते हैं, काजल लगाने पर क्या होता है, आँखों का रोशनी तेज होता है। कहते उसी तरह कहते हम जितने परिमाण से भगवान को भक्ति करते हैं उतना परिमाण से ये माया से हम ऊपर उठ जाते हैं। जितने परिमाण में भगवान की भजन और प्रभु की चरण में हमारा चित्त लग जाएगा, स्वाभाविक रूप में संसार का बंधन हमारी अपने आप मुक्त हो जाएगा, हैं, मुक्त हो जाएगा। कि जब तक हरि के भजन नहीं करेंगे, कि जब तक ये कभी ये चित्त हमारी शुद्धि नहीं होगा,
और ये कभी मुक्ति हमें मिल नहीं सकती हैं। यह भी शंकराचार्य की शिक्षा है, शंकराचार्य ये भी शिक्षा देते हैं। इसलिए उनका हैं कहते उनका जो मोहमुद्गर, उनने एक लिखा जिसका नाम मोहमुद्गर। मोहमुद्गर मतलब क्या? मोह मतलब संसार में जो हमारी आसक्ति। मुद्गर जानते हो, हेमदस्ता जैसे मुद्गर उसको कहते हैं। आप देखना जैसे पहले एक्सरसाइज जैसे इसको लेकर करते हैं वो बड़े बड़े जैसे पहलवान लोग, वो भी मुद्गर। और देखना ये जैसे नीम, जब ईट घर का नीम डालते हैं तो लोहे होता है, उसको मार 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 कर उसको पूरा ठोस बनाते हैं। कहते हैं जो माया है हैं, ये माया के लिए उन्होंने एक बड़े सुंदर सुंदर श्लोक बनाया। कहते उसको कहते मोह को जो एकदम मार मार करके उसको मोह खत्म कर देगा। उसमें इतने सुंदर श्लोक बनाए कि संसार को दिखा रहे हैं क्या है, कैसे ये संसार तुच्छ है। कहते जिस शरीर में हम आसक्ति होती, जैसे एक स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में आसक्ति, कहते ये सबसे ज़्यादा बंधन का यही संसार में सबसे ज़्यादा कारण है। तब कहते भैया किसको प्रति तुम आसक्ति हो, जिस शरीर में वो शरीर में क्या है? टाटी पेशाब खून पीत और तो कुछ है ही नहीं हैं। और ये तुच्छ शरीर में तुम क्यों आसक्ति हो रहे हो? इसमें तो टाटी पेशाब खून पीत और कुछ इसके सिवाय और इसमें कुछ है ही नहीं, यही चीज है। इसलिए फिर ये मलमूत्र जो भांड शरीर पर उसको प्रति तुम आसक्ति क्यों हो रहे हो? इसमें तो कुछ है ही नहीं हैं। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर श्लोक लिखे है। कहते बार वहाँ पर लिख भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। उसने बताया हे मूढ़मती, अगर ये माया से निकलना चाहते हो क्या करो, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कहती ये बात को वैष्णव भी मानते हैं और श्री शंकराचार्य कहती ये दोनों ये बात को मानते हैं। हरि की भजन द्वारा ही चित्त शुद्धि होगा, जब चित्त शुद्धि हो जाएगी जीव को संसार से प्रथम मुक्ति जीव को संसार से मिल जाएगी। इसलिए कहते ये भी शंकराचार्य अभी मानते हैं ना, शंकराचार्य अभी मानते हैं। लेकिन फिर भेद किसी वैष्णव और शंकराचार्य हमारे अंदर में भेद किस चीज़ के? कहते केवल इसी विषय में शंकराचार्य चुपचाप है, किस विषय में? लेकिन जीव को जो मुक्ति लाभ के बाद में जीव को क्या अपूर्व गति लाभ होता है, शंकराचार्य इसी बात को अच्छी तरह से जानते थे। हरि भजन के द्वारा जीव को मुक्ति के मार्ग में अच्छी तरह से चला सकने से ही जीव क्रमशः भजन सुख से आबद्ध होकर के शुद्ध भक्त हो जाएगा। कहते ये शंकराचार्य हैं क्या इसी विषय में? कहते शंकर इसी बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्या है, जब हम भगवान की भजन करेंगे जीव को मुक्ति मार्ग में अगर अच्छी तरह से चला सकेंगे क्या होगा, धीरे 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 भजन सुख में जीव आबद्ध होकर शुद्ध भक्त हो जाएगा। ये शंकराचार्य को पता है। शंकराचार्य कौन है? ये भोले बाबा शिव स्वयं, ये वैष्णवानाम यथा संभो वैष्णव में ये अग्रगण्य शंकर जी। इसलिए इनको तो पता है, इसलिए शंकर जी गोपी बनकर के आए थे ना रास दर्शन करने के लिए। गोपी क्यों बने? भगवान के रास में हरि प्रवेश हो जाए, प्रभु का रास को हम दर्शन कर पाए, इसका आनंद ले। फिर उन्होंने शंकर जी फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान बनकर क्या, हनुमान बनकर क्या कर रहे हैं, प्रभु राम की चरण की सेवा कर रहे हैं, कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं, अपना पूछ को छत्र रूप में प्रभु के सर पर अगर कहीं बैठे हुए छत्री रूप में धारण कर लेते हैं, प्रभु को छाया कर देते हैं हैं। इसलिए ठाकुर के चरण की सेवा करते हैं, फल फूल ले आते हैं, सब कुछ करते हैं। और अद्वैताचार्य रूप में भी शिव आए, उन्होंने क्या किया, महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बड़ी सेवा की। इसलिए ये शंकर जी को ये सब बात पता है, जीव को क्या कर सकते हैं, अगर मुक्ति को बाद में भी
मुक्ति हो जाना, जड़ संसार से मुक्ति हो जाना, ये बड़ी भारी बात नहीं है, है? ये बड़ी भारी बात नहीं, संसार संसार से मुक्ति, उसके बाद में फिर क्या होगा? संसार बंधन से तो मुक्ति हो गया, हमारे लक्ष्य नहीं ये संसार बंधन से मुक्ति होना, हमारे लक्ष्य नहीं है, ये तो ये गौण चीज है। लेकिन मुक्ति होने का बाद, उसको बाद में फिर क्या होता है? उसको बाद में फिर क्या, जो दुर्लभ स्थिति है जीव कैसे कृष्ण की नित्य लीला में हरि भजन करते करते, जैसे बताए ना आदो, हमारे जैसा आदो साधु संग, आदो श्रद्धा श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग, साधु संग जब हुआ, जब साधु संग हुआ फिर क्या पता चला? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास, ये हमें पता चलेगा साधु संग से। फिर करनी क्या चाहिए? फिर भजन करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर भगवान की भक्ति क्या, भक्ति के द्वारा क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ कितने तरह के बोलो? चार तरह के अनर्थ है, हैं? असत तृष्णा, अपराध, तत्व भ्रम, और बोलो, और बोलो इसके बाद में, हैं? इसलिए कहते इसमें बोले असत तृष्णा, असत तृष्णा, तत्व भ्रम, अपराध और हाँ हृदय द्रौबल्य, हैं? कहते ये चार तरह का अनर्थ है। अभी ये चार तरह से अनर्थ से हम मुक्त हो गए, क्या जीवन का यही लक्ष्य है? अनर्थ नष्ट हो जाना मतलब एक तरह का ये मुक्ति है, हैं? अनर्थ नष्ट हो जाना मुक्ति है, लेकिन क्या लक्ष्य यही है हमारी? बोले नहीं, उसके बाद में फिर निष्ठा, उसके बाद में रुचि, फिर उसके बाद में आसक्ति। लेकिन इसके बाद में निष्ठा किसके प्रति है? भगवान की चरण में निष्ठा है। रुचि किसकी प्रति है? उनका नाम का प्रति रुचि हो, उनकी भक्ति में रुचि हो, आसक्ति भगवान में हो। फिर भाव अवस्था, भाव अवस्था में कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज़ सुनने को मिलती है, कभी कभी उनको भगवान ऐसे लगता है ठाकुर जी आकर इसको स्पर्श करके गए, उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है जिससे ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, उनका दिव्य ज्योति से हैं आग झुलस जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है ठाकुर जी आए और उसको अधरा मृत पिला करके चले गए। कभी कभी ऐसे लगता है ठाकुर जी उसको स्पर्श किए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के चरण की नुकुर की झंकार सुनने को मिलता है, बंसुरी की आवाज़ है, उस समय तो एकदम भक्त एकदम पागल हो जाता है, उसमें एकदम डूब जाते हैं। ये संसार का कोई भी हुदबुद उसको नहीं रहता है, पूरा भगवान की जगत में, उसकी लींग भगवान की जगत में। इसलिए कभी कभी उसको साधारण उनको पागल समझते हैं, हैं? इसलिए उनको पागल समझते हैं। लेकिन जब प्रेमावस्था प्राप्त होता है फिर तो संपूर्ण रूप में अनर्थ खत्म हो जाती है और उस समय साक्षात भगवान का दर्शन, जो जैसे भक्त हो ठाकुर उसको वैसे ही प्रेम प्रदान करते हैं। यदि ये लक्ष्य है, अनर्थ निवृत्ति हो जाना ये लक्ष्य नहीं। जैसे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करें हैं, अभी पढ़ाई करके डिग्री हो गया CA, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारी जीवन का लक्ष्य यही हो गया क्या? उसके बाद में क्या है? जब उसके बाद में फिर जब करोगे, फिर जब करना क्या तुम्हारा लक्ष्य है? फिर पैसा कमाओगे लक्ष्य, फिर पैसा क्या कमाओगे? इसीलिए फिर बढ़िया से खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, यही लक्ष्य तुम्हारी, लक्ष्य लक्ष्य यही है। बढ़िया से घर बनाओ, गाड़ी घोड़ा बनाओ, आनंद से खाओ पियो और मस्ती की लक्ष्य क्या है? कहते इसलिए पढ़ना कल लक्ष्य है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब मुक्ति, कहते ये शंकराचार्य जी भी कहते जड़ वस्तु से ऊपर चले जाओ मुक्ति मिल जाए, हैं? वैष्णव लोग भी यही कहते, दोनों तो एक ही बात कहते हैं। लेकिन श्री शंकराचार्य जब मुक्ति तक जा करके ना बंद हो गए, वो जानते थे, क्या जानते थे? ये मुक्ति के बाद में अगर जीव को, हैं, अगर अच्छी तरह से उनको हरि भजन को तरह जीव को मुक्ति के मार्ग में अगर ले जा सकते तो क्या होगा? उसको क्रमशः जीव भजन सुख में आबद्ध होकर के शुद्ध भक्त हो जाएगा। फिर जीव
एक दिन भगवान की लीला में प्रवेश करते हुए कृष्ण की सखा बन सकता है, कृष्ण का सेवक बन सकता है, कृष्ण की गोपी बन सकता है, माँ जसोदा की अनुगत में कृष्ण सेवा कर सकते हैं। ये जीव को ये सब वस्तु प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसको बाद में शंकराचार्य चुप हो गए हैं। बोले क्यों चुप हो, किसलिए चुप हो? क्योंकि अभी उनको ये उनको ब्रह्मवाद को स्थापन करना चाहिए। अगर ये चीज़ डायरेक्ट बोल देते ना बौद्धवादियों को, अरे तुम तो भगवान का दास हो, भगवान का सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, बोले हम दास क्यों बनेंगे, हम नौकर क्यों बनेंगे, हम क्या बनेंगे, प्रभु बनेंगे, हम प्रभु बनेंगे। देखो प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया, इस चीज़ को अच्छे समझो, एक अच्छी स्टोरी सुनाया है। क्या स्टोरी है? जैसे कोई भी भगवान की हैं, भगवान की कोई भी नौकर बनना क्यों नहीं चाहते, भगवान क्या बनना चाहते, सबके से भगवान की को सब सब प्रभु बनना चाहते हैं। कहते एक समय एक बूढ़ी माँ थी, बेचारी अनपढ़, उसको एक बेटा था, उसने बेटे को वो एक टीचर था जिसके पास में ट्यूशन करने के लिए दे दिया, जब ट्यूशन करने के लिए डाल दिया, उसने इतना तो लिखी बड़ी है ही नहीं, उनने सुना उसको हर महीना में 100-100 रुपया उसको ये तनख्वाह देती है, 100 रुपया तनख्वाह देती है। लेकिन जो पहले उनने सुना था ये पढ़ा रहा है ए बी सी डी, उसके बाद में अ आ ई ओ ओ री ली 1 2 3 4 ये सब पढ़ा रहा था, सुना था। लेकिन जब उसने देखा 3-4 साल के बाद में ना, एक दिन हटा तो उसके कान देख करके सुना, अरे ये तो वही ए बी सी डी अ आ ई उसी अक्षर में सब कुछ वही अक्षर है, उसको तो वही ए बी सी डी और ए 1 2 3 अ ये तो ये वही वही पढ़ा रहा है, ये 4-5 साल पहले जो पढ़ाई कर रहा था अभी तो वही पढ़ा रहा है। लेकिन हर महीना में उसको 100 रुपया करके मैंने उसको क्या देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ, हाँ फीस देता हूँ, ये पहले अभी भी वही कर रहा है। हाँ देखो ये चीज़ को समझो, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे देखो हाँ बचपन में भी पहले जब शुरुआत क्या किया ये तो ए बी सी डी आ एक दो पढ़ाई किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वही ए वही बी है वही सी है वही अ है वही आ है वही एक दो अभी भी यही है, लेकिन होने पर भी लेकिन उसको अंदर में उसी शब्द से जो है वही शब्द पीएचडी में भी यही 1 2 लगता है, पीएचडी भी इंजीनियर में भी वही 1 2 लगता है, लेकिन होने पर भी उसमें क्या है, उसी वस्तु में जो तरह तरह का जो भावना है बा उसमें का अंदर में जो एडवांस है, उसी शब्दों का जो सुंदर सुंदर अलंकार व अनुप्रास व सुंदर सुंदर जो उसमें उसी शब्दों के द्वारा जो हाई फाई जो शब्द है, अभी वही टेक्निक जो ऊंचा हो गया, लेकिन तो वही ए ना वही बी तो यही वाल्ट है हैं। कहते उसी तरह जो ब्रह्मवादी जो मायावादी कहते भैया अभी भी भगवान की दासो तो करो, अभी भी भगवान की सेवा करो, जो मुक्ति हो जाएगा वही सेवा वही करना पड़ेगा फिर ठाकुर जी को, हनुमान तो वही कर रहे हैं ना, गोपियाँ तो राधा रानी तो वही कर रही हैं, बोले मुक्त अवस्था में भी यही करना पड़ेगा। लेकिन उसमें इसमें पार्थक्य क्या है, जैसे अभी देखो सवेरे उठने के लिए कष्ट लगता है कि नहीं, उस समय बढ़िया नींद आती है और उस समय हमें उठना पड़ता है हैं उस समय में, और भगवान के नाम करने के लिए बैठो नींद आ जाती है हैं, भगवान की कोई सेवा की बात बताओ बोले इतना सेवा करना पड़ेगा, हाँ ये सारा दिन सेवा करो हैं, अभी हमें कष्ट लगता है, बोले क्यों कष्ट लगता है, क्योंकि अभी हम बद्ध जीव है इसलिए हमें कष्ट लगता है। लेकिन जो मुक्त अवस्था को हो जाते हैं ना, इसलिए भगवान जो पृथ्वी महाराज को बोले वर मांगो, वो क्या कहते हैं, बोले प्रभु मेरे को अजूत एव, कहते मेरे को 10,000 मेरे को कान दे दो, बोले 10,000 कान से क्या करोगे, बोले 2 कान से तुम्हारी कथा सुन करके हमें आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन जब 10,000 कान से तुम्हारी कथा सुनेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा, 2 हाथ से हम कृष्ण की सेवा कितना करेंगे, अगर हमारे 100 हाथ हो जाता तो मंदिर का सारे सेवा हम अकेले करते किसी को देते ही नहीं हैं, कहते 2 कान
आंखों से क्या ठाकुर को दर्शन करेंगे। गोपियां ब्रह्मा को निंदा कर रहे हैं, बोले प्रभु त्रुटि जुगायते त्वाम अपसताम। जब एक में तो कृष्ण इतने सुंदर दो ही आंख दे दिए, फिर उसमें पलक झपती है, फिर बीच बीच में ये बाधा देती हैं। जब पलक झपती हैं ऐसे लगता है जैसे त्रुटि जुगायते त्वाम अपसताम, तुमको देखे बगैर हमें करोड़ों काल हो गया तेरे देखे बगैर हैं। इसलिए लेकिन जब मुक्त अवस्था, जब जड़ से हम ऊपर चली जाएंगे ना, माला छोड़ने की इच्छा नहीं करेगी, सेवा करने छोड़ने की इच्छा नहीं करेगी। गोलोक वृंदावन में वहाँ पर सखी मंजरिया तो तरसती हैं, बोले क्यों हमें कोई एक सेवा मिल गया। अगर किसी केवल फूल चयन करने की सेवा मिल गया ना, हम कितने भाग्य राधा रानी ने कृष्ण सेवा के लिए हमें फूल चयन करने के लिए चंदन घिसने का है, जो चंदन घिसते हैं अगर एक सेवा मिल जाए ना, बोले हमारे कितने सौभाग्य, ठाकुर की चंदन घिसने का हमें सौभाग्य मिला। किसको फूल की माला गूंथने का, बोले हम कितने भाग्य है ठाकुर जी के लिए फूल की माला गूंथते हैं। ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने का ये तो राधारानी खुद करती, राधारानी बैठ करके खुद रसोई बनाती है, मनोहर लड्डू राधारानी अपने हाथों से कृष्ण के लिए बनाती हैं, और चारों तरफ में सखियों का आदेश देती है, कृष्ण आने का समय हो गया, ललिता तुम ये खीर बनाओ, विशाखा तुम ये सब्जी बनाओ, चंपकलता तुमने ये सूप बनाओ, हाँ चित्रलेखा तुम ये दाल बनाओ, कृष्ण आने का समय हो गया, जल्दी जल्दी बनाओ, कृष्ण के लिए प्रस्तुत कर हैं। कहते कहते उसी तरह कहते यहाँ पर शंकराचार्य जो जीव को पता है, जीव को अगर अच्छे तरह से हम ले जाए भगवत भजन का रास्ता पर, क्या होगा कहते एक दिन भजन सुख में आबद्ध होकर के क्या हो जाएगा, कृष्ण का शुद्ध भक्त ये बन जाएगा हैं, शुद्ध भक्त बन जाएगा। लेकिन इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया और अधिक कुछ वैष्णव धर्म की रहस्य नहीं बोला, मार्ग तो दिखा दिया लेकिन उन्होंने अधिक कुछ आगे बोला नहीं है, क्योंकि उनको वहीं तक करना था। क्या करना था, शून्यवाद से ब्रह्मवाद को लाने का था, तुम ही तो ब्रह्म हो हैं बस, बोले हम ही ब्रह्म हैं, बढ़िया अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए देखना जो शंकर के मतावलंबी एक दूसरे को देखे, बोले नम नारायण, बोले तू भी नारायण मैं भी नारायण, नम नारायण सबको नारायण रूप में प्रणाम करते हैं, सब तू भी नारायण और मैं भी नारायण हैं। ये भगवान का जो आसन को दखल करना चाह रहे ठाकुर जी को, अगर तू नारायण होगा तो लक्ष्मी क्या हो गया तुम्हारी, बोले क्या हो गया, पर बीवी लक्ष्मी बीवी है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं, आप देखना देवी की गले में जितने मुंडक की माला देखोगे ना, ध्यान करके देखना मुंडक माला है, देखना उनको तिलक कैसे है, ऐसे जो ब्रह्मवादी लोग ऐसे सिंदूर का बूंद लगाते हैं ना, सब तिलक ऐसे देखोगे, बोले उनको गले में ये सब मुंड माला किस लिए, बोले कारण है ये तो पहले बोलेंगे हैं, पहले ये लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे पहले हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पहले बोलेंगे हैं, ओम नमः शिवाय शिव भजन करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या बोल, अहम शिव अहम शिव अहम हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिव अहम शिव अहम, कुछ दिन बाद में फिर बोलने लग जाते भैया हम ही शिव है। पार्वती देवी देखती हैं, पहले तो बोल रहा था शिव तेरा हम सेवक है, हाँ नौकर है, और कुछ दिन भजन करके तू शिव हो गया, शिवा हम शिवा हम, बोले शिवा अगर तू हो गया पार्वती क्या हो गया, उनके बीवी पार्वती उसकी बीवी हो गई। बोला अभी तुझे दिखाता हूँ, उनका हाथ में देखना खड़ा है, खड़गा उनका हाथ में, ए पकड़ता है उनकी चोटी, पकड़ करके काट देती हैं, काट कर गले में सबके सब मुंड माला रूप में धारण कर लेती हैं। इसे लक्ष्य करके देखना उनका जितने तिलक है ना सब ब्रह्मवाद, कौन सा तिलक है, सब लाल रंग का फोटा लगाए हो संसार में घूमते रहे संसार में, इसलिए तिलक फोटा नहीं लगानी चाहिए, संसार में घूमते रहोगे हैं। इसलिए हम लोग कौन सा तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्वपुंडर तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्वपुंडर तिलक लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते ये अधिक कुछ वैष्णव धर्म का रहस्य नहीं खुला, वैष्णव धर्म का रहस्य गुण आगे नहीं बोले। इसलिए उनके सब भाष्यों को जिन्होंने विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ाए, शंकराचार्य जी का भाष्य है
अगर इसको कोई ध्यान पूर्वक सही सही रूप में कोई पढ़ेगा ना, वो ये शंकर की गुड़ भाव को कहते समझ सकते हैं, शंकराचार्य जी को जो गुड़ भाव। इसलिए जो मोहमुद्गर में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कथे मूढ़मते, क्या करो गोविंद का भजन करो। भजन मतलब सेवया, भजदा सेवया, क्या करो गोविंद जी का भजन करो, गोविंद जी की सेवा करो। अगर कोई सही सही उसको पढ़ेगा तो ये चीज़ उनको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो लोग केवल उनकी शिक्षा के बाहरी अंश को लेकर के उसकी उधेड़ बुन में अपना समय बिताते हैं, वही वैष्णव धर्म से दूर बन जाते हैं। इसलिए लेकिन जो लोग उनका शिक्षा का चलो बाहर चीज़ को लेकर के उसी में ही रमे रहते हैं, अपना समय को बिताते हैं, वही लोग ही वैष्णव धर्म से दूर रह जाते हैं। लेकिन जब वास्तव रूप में शंकराचार्य शिव जी की जो वास्तव रूप में अंदर में प्रवेश करेगा तो समझ सकते हैं शंकर तो परम वैष्णव है, ये परम वैष्णव है। बोले भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए हाँ, इसको बाद में अभी जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से विचार करने पर कहते अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत होता है, हैं? कहते एक प्रकार से इसको विचार कर तो जो अद्वैत सिद्धि, इसका किसका फिलोसफी अद्वैत सिद्धि, कहते ये शंकराचार्य का है, हैं? शंकराचार्य का इनका जो फिलोसफी अद्वैत सिद्धि, आ मतलब नहीं दो दो, हम दो नहीं एक है। कब हम लोग उनका जो भावना अहम ब्रह्मास्मि तत्व में से बोलते बोलते एक दिन ब्रह्म में पूरा लीन हो जाते, इसलिए जिनको कहते हैं साजुज्य मुक्ति। कौन सा मुक्ति? मुक्ति कितना तरह का? पांच तरह का। क्या क्या है बोला? सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामुप्य हैं। कहती ये वैकुंठ में ये जो और एक है साजुज्य, कहती ये चार तरह का जो मुक्ति वैकुंठ में कोई कोई इसको ग्रहण कर लेते हैं। कहते सामीप्य मतलब भगवान की पास में रहना, सालोक्य मतलब उनका लोक में निवास करना, साष्टि मतलब उनकी बराबर ऐश्वर्य हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य और सारूप्य, सारूप्य मतलब वैकुंठ में देखना सबका रूप कर कर एक ही भगवान की जैसा रूप है। लेकिन ये जो चार तरह का मुक्ति कभी कभी भक्त लोग साधारण भक्त लोग ग्रहण कर लेते हैं, हैं? लेकिन एक मुक्ति साजुज्य, साजुज्य मतलब कुछ मतलब मिल जाना, एक दिन अपना ज्योति, ज्योति में अपना आत्मा को परमात्मा में उसमें मिला देना, जिसको साजुज्य मुक्ति कहते हैं। लेकिन भक्त लोग ये मुक्ति को चार तरह का मुक्ति तो ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन इसको कभी नहीं लेते। इसलिए कहते हैं, कहते ये कहते नरक बांछा ही तब साजुज्य नाल, भले ही कहते हम नरक भले ही चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले नरक जाएंगे कभी ना कभी, नरक से तो उधार होगा, फिर कहीं अगर वैष्णव का संग मिलेगा, फिर भक्ति में प्रभु का प्रेम में तो रुचि होएगी, प्रभु की सेवा रस को प्राप्त तो कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है ना, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश होकर शराब पी करके हैं, नशाबाजी करते हैं, जो नशा करते हैं शराब पी कर जैसे बेहोश होकर पड़ जाते हैं, उनका यही करते हैं। जैसे पत्थर है ना सैन सिंह, बेहोश होकर पड़ रहते हैं, हैं? नशाबाजी जैसे करते हैं लोग ऐसे, हैं? इसलिए कहते भैया हम नरक जाना चाहते लेकिन ये मुक्ति लेना नहीं चाहते। इसलिए उनका जो अद्वैत सिद्धि, उनको ये क्या कहते हैं, बोले अद्वैत सिद्धि, बोले कब हम लोग वो ब्रह्म में कब हम मिल जाए, हैं? मिल जाए, इसको अद्वैत सिद्धि। और भक्त लोगों का क्या? अद्वैत सिद्धि और प्रेम। हम लोग क्या चाहते हैं? प्रेम। प्रेम मतलब क्या है? भगवान में प्रीति, उसकी सेवा प्राप्त करना, उनकी भक्ति को प्राप्त करना, हैं? उनकी भक्ति सेवा को प्राप्त करना, जो प्रेम और अद्वैत सिद्धि। कहते देखो जैसे ही प्रतीत होता है, कहते ये कैसे लगता है? लगता है जैसे दोनों एक ही जैसे लगता है, हैं? वो भी ब्रह्म में लीन हो जाता है,
और भक्त भी भगवान को चिंतन करते 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 वो भी भगवान में ही चित्त को आविष्ट कर देता है। लेकिन उसको देखने से क्या लगता है, ये एक ही है, वो भी ब्रह्म में लीन हो जाते। भक्त भी प्रभु को चिंतन करते करते मन मनस का मतगता, कृष्ण कहते हैं ना, हैं कृष्ण कहते मेरे जो भक्त है संपूर्ण मन को मेरे को ही दे देता है। गोपियाँ हैं, ये गोपियाँ क्या करती, कृष्ण जब उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे यही कह रहे हैं ना, मन मनस का मत चिंता मत गता, कहते संपूर्ण रूप में मेरे में ही अपना चित्त को गोपियाँ रमा करके रखती हैं, हैं। लेकिन ये दोनों को देखने पर कैसे लगता है, जैसे वो एक ही है। लेकिन अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो शंकराचार्य जी का जो मत कहते, वो जो अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है, संकुचित मतलब उसका, संकुचित मतलब उसका जो सिपड़ जाना, और उसका जो संकुचित अर्थ करते हैं मतलब जो वास्तव अर्थ जो नहीं करते हैं, वो अर्थ को जो छुपा दिया जाता है उसको हम कहते हैं ना, तेरे बुद्धि संकुचित बुद्धि है, हैं तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं, संकुचित बुद्धि कहते इसको। कहते जब इसको संकुचित अर्थ किया जाता है, जब वास्तव अर्थ को जब नहीं किया जाता है, उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न होता है। फिर तो इसमें अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता दिखाई पड़ते हैं। कहते प्रेम क्या पदार्थ, इसी पर विचार कीजिए। अभी बोल रहे हैं भैया, फिर प्रेम किसको कहते हैं और अद्वैत सिद्धि किसको कहते हैं, अभी इस विषय पर हम लोग विचार करेंगे, फिर इसको हम कल विचार करेंगे। ये प्रेम क्या और अद्वैत सिद्धि क्या है, उसमें किया और उसमें किया नहीं, देखो इस चीज़ को अच्छे तरह से अगर समझ लेंगे तो सारा जीवन ये काम में आएगा। अक्सर कहीं अगर प्रचार करने के लिए जाओगे आप लोगों को अगर कहीं मिलेगा कहीं शंकर सन्यासी सब मिलेंगे, शंकर प्रथा आप लोग अगर ये विचार को सही सही नहीं समझोगे ना तो लोग ये तो सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, फिर हम उस तरह में बहक जाएंगे। इसलिए हमें इस विषय में अच्छे तरह से हमें ज्ञान हमें होनी चाहिए, ठीक है। ये वैकुंठ में, लेकिन ये चीज जो कृष्ण भक्त तो ये चीज चाहते हैं। दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा बारी कृपा बारी धनी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाच श्रीहरि कीर्तने रहे प्रिय समागने बंद से गुरु
शरण कमल सर्वशास्त्री गायत्री श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे सही अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंद से गुरु चरण कमल जहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जर प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध्या कीर्तिरा स्तब जाने भाई बंद से गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जतन करी ब्राह्मी मोर से पड़े उच्च करी वृंदावन ना साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु से देकाल बंदी से गुरु चरण सिंह गुरु चरण जय ऐते चतुर्माता अन कृष्ण सेवा ब्रह्मते नारायण महासी ते दास गाय दास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ दास ज्ञान सिंधु तारे ताहिते दयानि भी कर दास विद्याने भी राजेंद्र ऐला ताहिते आर्य शिखर जयन धर्म नाम परिचय परम्परा लक्ष्मीपति दास दास माधवेन्द्र पुरी माधवेन्द्र पुरी हर ईश्वर पुरी के मन करिय जगद्गुरु महाप्रभु Thank you.
करो उधर कर दो तो इसको ले लो। Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.